नमस्कार, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है इंडिया पावर न्यूज जुर्म का पर्दाफाश पर। लेखपालों का अनिश्चितकालीन कलम बंद धरना प्रदर्शन। जी हां, उत्तर प्रदेश के कन्नौज के तहसील परिसर में महिला लेखपाल से हुई दुर्व्यवहार का विरोध प्रदर्शन करके दोषियों पर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन दिया गया। कुशीनगर जनपद के तहसील परिसर खड्डा में लेखपालों ने कन्नौज के छिबरामऊ तहसील में अधिवक्ता देवेंद्र कुमार राजपूत के द्वारा पहले ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र पर जबरन रिपोर्ट लगाने का दबाव एक महिला लेखपाल पर बनाया। रिपोर्ट नहीं लगाने पर महिला लेखपाल से मारपीट की गई। बीच बजाव करने आई दूसरी अन्य महिला लेखपालों के साथ भी मारपीट और दुर्व्यवहार किया गया। उक्त घटना का विरोध करने पर सैकड़ों की संख्या में अधिवक्ता तहसील परिसर में ही इकट्ठा होकर लेखपालों पर हमला करके तहसील परिसर के ही सभागार में उनको बंधक बना लिया गया था। इस घटनाक्रम में शामिल दोषियों की गिरफ्तारी और कानूनी कार्रवाई की मांग को लेकर लेखपालों के द्वारा पूर्व सूचना के आधार पर तहसील परिसर खड्डा में ही अपनी 5 सूत्री मांगों को लेकर शांतिपूर्वक धरना दिया जा रहा है। आज के इस धरने में मुख्य रूप से राम प्रवेश, रामनाथ, बशीर आलम, सूरज चौरसिया, रामेश्वर कुशवाहा, अभिमन्यु मिश्रा, राजेश गुप्ता, धीरज शुक्ला, शैलेश दुबे, जयप्रकाश, विजय पटेल सहित समस्त लेखपाल उपस्थित रहे। इंडिया पावर न्यूज के लिए कुशीनगर जनपद से राम नारायण चौहान की रिपोर्ट। जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।